कंसिस्ट करता है स्टैक और बी इट इज यूजुअली एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर ये यूजली बाइलोक्ड होता है और हर लोब के पास दो चैम्बर होते हैं जिन्हें पॉलिन सैक बोलते हैं द पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलिन सेक्स और जो पॉलिन ग्रेन्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं पॉलिन सेक्स में अब यहां पे फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं ए ए स्टेम बी एंथर बी ए स्टिग्मा बी फिलामेंट सी ए एक्सएल बी

फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का ये कंपोज्ड होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेम ये स्टेमिन से कंपोज होता है अब यहां पे हम पहले एक स्टेमिन का डायग्राम बनाएंगे फिर हम उसको समझेंगे तुम यहां पे एक रफ डायग्राम बना के समझते हैं दिस इज अ रफ डायग्राम। तो ये जो स्टेमिन है ये कंसिस्ट होता है किससे किससे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेमिन में एक तो लाइक स्ट्रक्चर ये ये लाइक स्ट्रक्चर है इस स्टेक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलामेंट फिलामेंट होता है ये और इस स्टेक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एंथर दिस इज कॉल्ड एंथर ये एंथर होता है और जो एंथर है ये एंथर बाइलोब्ड होते हैं एंथर के बारे में देखते हैं एंथर होते हैं बाई लोफ्ट दे आर बाई लोप्ट और हर लोब में दो चैंबर्स होते हैं एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर्स टू चैम्बर्स और ये जो दो चैंबर्स होते हैं इन चैंबर्स को बोलते हैं पॉलिन सेक्स और पॉलिन सेक्स में पॉलिन ग्रीन प्रोड्यूस होते हैं पॉलिन ग्रीन होते हैं मेल गैमेट जो जिनसे पॉलिनेशन होके प्लांट में आ, प्लांट की आगे की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ एंड्रोशियम किससे कंपोज्ड है स्टेम से कंपोज्ड है तो ये आ जाएगा ए में उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टैक ये स्टैक हमें देखा उस स्टैक का फिलामेंट एंड बी

उसको बोलते हैं गाइनोशियम और गाइनोशियम कंसिस्ट होता है कार्पिल्स से और कार्पल्स बना होता है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी एंड कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी इस और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी में जो स्टिग्मा दिया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आता है तो ये आंसर नहीं होगा सी में यहां पे एग्जाइल और एंटर एक्साइल एक प्लेसेंटा का टाइप है डी में दिया है एंथर फिलहाल में डी अपोजिट दिया, दिया ही भी नहीं होगा एंसर सो द फाइनल एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंट बी एंथर होप यू अंडरस्टुड इट वेर बेस्ट ऑफ लक